गुड मॉर्निंग प्रिय स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम लेके आए हैं आपके हिंदी व्याकरण से कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग किसे कहते हैं, कैसे लिखते हैं स्टोरी राइटिंग? बच्चों कहानी लेखन जो है इसकी विधा बहुत पुरानी है। आप जब छोटे थे तो अपने दादा दादी से, नाना नानी से, मम्मी से अनेक प्रकार की कहानियां सुनते थे। जो विधा ये आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विद्यमान है, ठीक है। बच्चे जब शरारत करते हैं, अक्सर जब हम देखते हैं कि कोई बच्चा शरारत करता है, छोटा बच्चा, तो उसको शांत कराने के लिए नानी दादी मम्मी या हम लोग एक कहानी कहते हैं जिससे बच्चा शांत हो जाता है, ठीक है। कहानी लिखना एक कला है। कहानी किस तरह से लिखी जाती है आज इसकी चर्चा करेंगे, इसके विषय में पढ़ेंगे। बच्चों कहानी जो लिखने का माध्यम है वो हम तीन तरीके से लिखते हैं, तीन रूपों से हम कहानी लिख सकते हैं। पहला है संकेत के आधार पर, संकेतों के आधार पर कहानी लिख सकते हैं। दूसरा है शिक्षा के आधार पर, और तीसरा है चित्रों के आधार पर। जैसे क्या है, कभी कभी अभी तो आज बहुत इस विषय का चर्चा है कि छोटे क्लासेस में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, प्राइमरी क्लास के बच्चों को यानी प्राथमिक विद्यालय में हम लोग भी छोटे छोटे बच्चों को कुछ चित्र देते हैं, कुछ चित्र देते हैं, ऐसे फिगर बना देते हैं चित्र जिसको कहते हैं, और उनको देखकर बच्चों को कहानियां लिखनी होती है। ऐसे संकेतों के आधार पर यानी कि हम बच्चों से बोलते हैं कि कुछ संकेत दे देते हैं, किसी जगह का नाम बता देते हैं, किसी राजा का नाम बता देते हैं, उसके विषय में संकेत दे देते हैं, क्या करता था, कहाँ रहता था, उसे क्या पसंद था, और इन संकेतों के आधार पर कहानी लिखी जाती है। और एक है शिक्षा के आधार पर। बहुत सारी कहानियां हम ऐसे सुनते हैं या लिखते हैं, देखते हैं, जिससे हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है। ईमानदारी की शिक्षा, सच्चाई की शिक्षा, प्रेम की शिक्षा, व्यवहार की शिक्षा, अनेक प्रकार की शिक्षा मिलती है। इस तरह से कहानी लिखा जाता है, ठीक है। अब बच्चों कहानी लिखते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है कि कहानी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी का आरंभ रोचक हो और पढ़ने वाला एकदम आकर्षित हो। अगर कोई कहानी ऐसी है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई कहानी देखते हैं, टीवी में कुछ देखने लगते हैं या कोई किताब लेते हैं कहानी पढ़ने के लिए, तो शुरू में देखने से आपको अच्छा नहीं लगता है, तो हम पढ़ने वाले जो है उसके तो आकर्षित नहीं होते हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम छोड़ देते हैं। इसलिए सदैव हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहानी एकदम रोचक हो, जिसमें सुनने से हमें अच्छा लगता है। दूसरा है कहानी की भाषा सरल, सरस, आम बोलचाल की हो। अब जैसे आप कहानी पढ़ने जा रहे हैं तो कहानी पढ़ने के लिए एकदम उसमें सरल भाषा का प्रयोग हो, जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा आसानी से उसको समझ ले। आम बोलचाल की भाषा में, जिस भाषा में हम बोलते हैं उस भाषा में हमारी कहानी होनी चाहिए। रूपरेखा के अनुरूप कहानी का विकास करना चाहिए। कहानी का स्वरूप, सबसे पहले हमने कहानी को एक रूप दिया, इसके विषय में और वहां पर पहुंचकर कहानी का अंत करना चाहिए। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा अवश्य लिखा होना चाहिए। अगर हमने कोई कहानी लिखा तो उससे हमें जो शिक्षा मिलती है उसको हमें अवश्य लिखना है। तो ये हमारी कहानी लेखन के नियम हो गए। बच्चों मैंने आज आपको कहानी लेखन के कुछ नियम और कहानी किन किन प्रकार से लिखी जाती है